Hello everyone, my name is Sushant Pawar and I work here in Science Activity Center of ISER Pune. आज एक एक्टिविटी जो आपके साथ करने वाला हूँ, देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है. उसमें शायद मैजिक दिख रहा है, शायद मैथ्स दिख रहा है. चलो फिगर आउट करते हैं क्या है. मेरी स्लाइड जो है वो दो लैंग्वेजेस में है, जैसे कि मराठी में है और इंग्लिश में है, और मैं जो आपसे बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, तभी मैं हिंदी में बात करूंगा. सो दैट ये जो एक्टिविटी है, ये वीडियो है, वो सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी जैसे आपको नाम दिख रहा है मैजिक नंबर, अंकांक्षी जादू, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो आप जहां पे भी है वहां पे आप एक पेपर और पेन लेके साथ में बैठिए, क्योंकि हम कुछ नंबर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं इसके साथ. तो देखिए, जो जैसे कहा गया है कि नंबर है, तो आपको पहले तो कोई एक नंबर कंसिडर करना है आपके माइंड में, और मुझे बताना नहीं है. वैसे भी आप मुझे बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऑनलाइन मोड में हैं. आप चैट में भी टाइप मत कीजिए, लेकिन अपने पास लिख के रखिए. और जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइमर चालू है. वो टाइमर जो है वो आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, और तब तक आपको वो नंबर कंसिडर करना है. मैं कहूंगा कि थोड़ा सिंपल नंबर कंसिडर कीजिए, क्योंकि आपको इस पे ऑपरेशंस करने हैं, राइट. आई होप आप में से बहुत सारे लोगों का नंबर फिक्स हो चुका होगा. मोस्टली इंटीजर कीजिए, नहीं बड़ा कर रहे हैं तो भी ठीक है, आप कैलकुलेशंस में अच्छे रहिए. अभी इस नंबर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए, जो भी नंबर आपने कंसिडर किया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना कीजिए, तिप्पट जिसे मराठी में कहते हैं वो कीजिए. और मैं यूजुअली हर ऑपरेशन के लिए 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं कि आपके 20 सेकेंड्स कंप्लीट हुए. अभी इसमें हमें जो नया नंबर मिला है, 3 गुना करने के बाद, ट्रिपल करने के बाद, उसमें 6 ऐड करना है. जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये नंबर में 6 ऐड करना है, राइट. आई होप सारे लोग ये स्पीड से कर पा रहे हैं, ठीक है. चलिए 6 ऐड हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं. अभी जो नया नंबर मिला है आपको, वो नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है. पहले आपने नंबर लिया, उसे 3 गुना किया, उसमें 6 ऐड किए. अभी जो है आपको ये नंबर को 3 से डिवाइड करने कह रहा हूं, और 10 सेकेंड दे रहा हूं, क्योंकि डिवीजन में कभी कभी टाइम लग जाता है. देखिए, आई होप सारे लोग ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं. चलते हैं आगे. अभी जो आपको 3 से डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर मिला है, ओके, वो नंबर में से आपका जो ओरिजिनल नंबर था, जो आपने कंसिडर किया था, वो नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए. जैसे कि समझिए, मैंने ओरिजिनल नंबर कंसिडर किया था 5, और मुझे अब तक के प्रोसेस में फॉलो करने के बाद मुझे अगर 20 मिल रहा है, तो मुझे 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं, राइट. चलिए कर दीजिए. आई होप आपका कैलकुलेशन हो गया होगा. अभी आपको एक नंबर मिला है ये सारे प्रोसेस के बाद. क्या किया आपने? पहले तो एक नंबर अज्यूम किया, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 6 ऐड किए, फिर उसको 3 से डिवाइड किया, फिर उसमें से हमारा जो हमारे ये प्रोसेस के बाद जो नंबर मिला, उसमें से ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, राइट. शायद आप सबने यही प्रोसेस किया है, ठीक है. तो आगे जो है आपको स्लाइड्स में एक टेबल दिखने वाला है. वो टेबल में अभी जो आपको ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो नंबर मिला है, वो नंबर के सामने एक सिंबल असाइंड है. वो सिंबल की तरफ आपको 30 सेकेंड्स के लिए देखना है. इज दैट सिंपल? चलिए देखिए. सो आपके 30 सेकेंड्स तो शुरू हो गए हैं. आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी नंबर मिला है, उसी सिंबल की तरफ 30 सेकेंड्स के लिए दिखने हैं.
सो आपके ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स अभी हो रहे हैं। आई होप आपने सभी ने ये एक्टिविटी की है। लास्ट कुछ सेकेंड्स बचे हैं, केयरफुली देखिए अपने सिंबल की तरफ। 3, 2, 1। ओके, सो आप मैजिक देखने के लिए तैयार हैं? आपको नंबर याद है आपका, आपको सारे प्रोसेस के बाद मिला हुआ नंबर, और आपका सिंबल है स्टार। क्या हुआ, आपका भी यही सिंबल था? ऐसे कैसे हुआ और मुझे कैसे पता चला कि स्टार ही आने वाला है? क्या किया मैंने, मैजिक? इज इट मैजिक? और शायद नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कोई मैजिक नहीं है और प्योरली मैथमेटिक्स है, तो आपको कैसे लगेगा? चलिए देखते हैं कौन सा मैथमेटिक्स है तो क्या है। सो आपको मैंने बताया पहला स्टेप कि आपको कोई एक नंबर अज्यूम करना है। और जब भी हमें कोई भी अननोन नंबर, अभी मेरे लिए तो वो नंबर अननोन था, राइट? तो उस यहां पे आपके स्क्रीन पे जो स्टेप दिख रहा है उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिख रहा है जो मैंने किया, ठीक है? जो अभी आपने नंबर अज्यूम किया उसे मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। हम एलजेब्रा में बहुत बार एक्स अज्यूम करते हैं अननोन क्वांटिटी के लिए, वैसे ही मैंने एक्स उसे नाम दे दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने कहा कि वो नंबर को ट्रिपल कीजिए। आपने वो नंबर को जब ट्रिपल किया होगा, वो नंबर 3 × x ये फॉर्मेट में बन गया मेरे लिए, है ना? ट्रिपल है 3x, x के। उसके बाद के स्टेप में, स्टेप 3 में, आपको मैंने कहा कि उसमें 6 ऐड कीजिए। आपने 6 ऐड किए होंगे, आपको कोई आपके नंबर के हिसाब से नंबर मिला होगा, लेकिन मुझे जो है आपका नंबर तो पता नहीं था, तो मैंने जैसे एक अल्गोरिदम फॉलो किया उसमें 3x तक पहुंचा था ट्रिपल करने के बाद। अभी 6 ऐड करने के बाद मैं पहुंचाऊंगा 3x+6। सो आपका जो नंबर होगा वो 3x+6 फॉर्मेट में होगा। आगे मैंने कहा इस पूरे नंबर को जो ये स्टेप 3 के बाद आपको मिला है 3x+6 फॉर्मेट का, उसे 3 से डिवाइड कीजिए। आपने वो नंबर को जब भी 3 से डिवाइड किया तो आपको एक नंबर मिला होगा, लेकिन मेरे प्रोसेस में वो नंबर x+2 फॉर्मेट का था। आपका नंबर भी x+2 फॉर्मेट का है, कैसे वो आगे देखते हैं। सो आपका जो नंबर 3x+6 फॉर्मेट में था उसको डिवाइड जब भी हम 3 से कर रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हमें आंसर मिलेगा x+2। अभी इसमें से लास्ट स्टेप में मैंने कहा कि आपको जो नंबर मिला है अभी, वो नंबर में से आपका जो ओरिजिनल नंबर आपने जो कंसिडर किया था, वो ओरिजिनल नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब मेरे लिए तो वो x+2 फॉर्मेट में आ गया था अभी तक, उसमें से अगर मैंने x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखिए x+2 में से x अगर निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मराठी में वजा करूया, तो देखिए क्या मिल रहा है हमें। x+2 में से x निकाल दिया तो आंसर 2 मिलेगा। सो नो मैटर वॉट आप कोई भी नंबर अज्यूम करते, पर ये अल्गोरिदम, ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपके कैलकुलेशन सही है, तो आपको 2 ये आंसर ही मिलता एंड में। और 2 के लिए मैंने सिंबल असाइन किया था स्टार। सो इसीलिए जब भी आपने वो सिंबल की तरफ देखा और मैंने आपके स्क्रीन पे सिंबल प्रोजेक्ट की, तभी आपको स्टार ये सिंबल दिखा। और जैसे कि आपने देखा कि जो जो प्रोसेस हमने की वो दिखने के लिए मैजिक की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे काफी गणित छुपा हुआ था, बीजगणित था, जो एलजेब्रा हम कहेंगे, एलजेब्राइकली काफी हमने कैलकुलेशंस किए यहाँ पे। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप भी कोई एक एक्टिविटी ढूंढे, आप भी ऐसे कोई एक अल्गोरिज्म बनाए, ये प्रोसेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ये ट्राई कीजिए और हमें लिखिए कमेंट्स में कि आपको ये कैसे लगा। सो थैंक यू।